हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इसी के साथ साथ दबाएं इस घंटे को। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है ऑन यूजर डिमांड। ठीक है, मैंने एक साल पहले दो ट्रिमर की रिव्यू किया था, एक था नोवा एनएसटी 1070 ट्रिमर और एक था नोवा एनएसटी 1046 ट्रिमर। ठीक है, और लोगों को बहुत सी डाउट थी कि इन दोनों ट्रिमर में से कौन से ट्रिमर के परफॉर्मेंस बेहतर है। ठीक है, तो ये जो ट्रिमर है ये दोनों ही ट्रिमर ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ट्रिमर से लाइव ट्रिमिंग करके कंपेयर करूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि विच ट्रिमर इज डूइंग अ बेटर जॉब। तो फिर चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जो लेफ्ट साइड वाली हिस्सा है इस पोर्शन को मैं ट्रिम करूंगा अपनी नोवा एनएसटी 1046 ट्रिमर से और राइट साइड में ट्रिम करूंगा 1070 ट्रिमर से। ठीक है, और आफ्टर ट्रिमिंग हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी ट्रिमर आपको बेहतरीन ट्रिम देता है। तो यह है मेरा 1046 ट्रिमर, ठीक है, नोवा एनएसटी 1046 मॉडल। तो जो 1046 ट्रिमर है इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो चुकी है, ये आपको प्रॉपर ट्रिमिंग नहीं दे पा रहा है क्योंकि बहुत मतलब अटक रहा है यहाँ पे बियर्ड पे। दोस्तों लेफ्ट वाली हिस्सा मैंने ऑलरेडी 1046 से ट्रिमर कर चुका हूं लेकिन दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो चुकी है, मैं प्रॉपरली ट्रिम ही नहीं कर पा रहा हूं और बार बार जो मेरा बियर्ड है वो इसमें फंस रहा है और ये बहुत ही वीक हो चुका है, बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस है इसकी। और अब मैं ट्रिम करूंगा नोवा एनएसटी 1070 ट्रिमर से अपनी राइट साइड। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस आफ्टर 1 ईयर कैसी है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दोनों साइड की अपनी बियर्ड को जो है ट्रिम कर लिया है। दोस्तों ये वाली जो हिस्सा है मैंने ट्रिम किया था नोवा एनएसटी 1046 ट्रिमर के साथ। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसकी ट्रिमिंग क्वालिटी एक साल के बाद कैसी है। और ये वाली जो हिस्सा मैंने ट्रिम किया है नोवा एनएसटी 1070 के साथ और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ट्रिमर में से कौन सी ट्रिमर के परफॉर्मेंस बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरी बात माने, मैं आपको बता रहा हूँ 1046 ट्रिमर जो है इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही वीक हो चुकी है, आपको ट्रिम करते वक्त आपकी जो बियर्ड है आपकी ट्रिमर पे फंसती है, आपको बहुत सारी इचेस आती है। ठीक है, और आपको बहुत दिक्कत होता है ट्रिम करने में। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि मैंने दोनों ट्रिमर की रिव्यू किया था लेकिन जब मैंने 1046 ट्रिमर से रिव्यू की थी उस समय क्या था, इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी लेकिन जब 1070 का ट्रिमर किया था अगर कंपेयर करें उन दो वीडियो में तो ऑन डेट टाइम 1046 जो था वो विनर है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या पता चलता है, अगर आपको कोई ट्रिमर चाहिए जो शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, मान लीजिए 3 से 4 महीने के लिए अगर आप कोई ट्रिमर यूज करना चाहते हैं ऑन डेट केस, आप 1046 ट्रिमर के साथ जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए लॉन्ग लास्टिंग ट्रिमर ऑन डेट केस, आप जा सकते हैं नोवा एनएसटी 1070 ट्रिमर के साथ। तो आज की इस कंपैरिजन में दोस्तों विनर जो है वह है नोवा एनएसटी 1070 ट्रिमर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस जानने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक को ठीक यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और प्रोडक्ट रिव्यू करूँ तो प्लीज मुझे कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो प्रोडक्ट रिव्यू लेकर जरूर आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।